गौनिका, कोर्ट रूम में साउथ के नामों का जिक्र हुआ और उस कार्टल का जिक्र हुआ जिसकी फॉर्मेशन से ये सारा जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, ड्राफ्ट की गई, वो इस वक्त कोर्ट रूम में क्या चल रहा है वो भी बताइए। देखिए, इस वक्त ईडी ही अपने फैक्ट्स को कोर्ट में रख रही है और ईडी बकायदा सारे सबूत कोर्ट में पेश कर रही है। एक रिपोर्ट, जीओएम की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है जिसमें यह कहा गया कि उस रिपोर्ट के में मनीष सिसोदिया के जो सेक्रेटरी उस वक्त के थे, उन्होंने सजेशन दिया था इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन मनीष सिसोदिया ने डायल्यूटेड डेफिनेशन का फायदा लेने के लिए इस पूरे मामले में उस रिपोर्ट को नहीं माना और उसके बाद एक नई रिपोर्ट तैयार की गई और उसका जिक्र कोर्ट में किया गया। जज ये पूछ रहे हैं कि जो प्रोविजन है वो जीओएम रिपोर्ट में था या फिर अनसाइंड रिपोर्ट में था, इस बात को लेकर पूछा जा रहा है। यानी कि जो प्रोविजन थे वो अनसाइंड रिपोर्ट में थे जो कि हैंडओवर किए गए थे, ये प्रोविजन मेंशन नहीं किए गए थे मीटिंग में, इस बात को लेकर ये जज ने सवाल पूछा है, जिस पर ईडी के वकील ने सहमति जताई है। और अब इस पूरे मामले पर लगातार ईडी अपने फैक्ट्स रख रही है जिसमें सबसे पहला, फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सबसे बड़ा जिक्र यही किया गया कि प्रॉफिट मार्जिन को बिना किसी से सजेशन लिए, बिना किसी की सलाह लिए हुए इस पूरे मामले पर प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा दिया गया। प्रॉफिट मार्जिन को ऐसे बढ़ाया गया ताकि कुछ ऐसे बिजनेसमैन, कुछ ऐसे बिजनेस एंटिटीज है जिनको फायदा मिले, और इसके अलावा जो साउथ का ग्रुप है उसको इनेबल किया गया इस पूरे मामले में इस नई पॉलिसी में प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर। तो ये सारे फैक्ट्स को कोर्ट में रखा जा रहा है। देखिए, जब सीबीआई कस्टडी लेने आई थी तब सीबीआई ने इन बड़े बड़े फैक्ट्स को नहीं रखा था, तब मामला पीएमएलए का नहीं था, सीबीआई ने सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया था और उसके आधार पर ही सीबीआई पूछताछ कर रही थी। और इसीलिए सीबीआई के मामले में सिर्फ और सिर्फ सीबीआई गवाहों का सामना सामना करवा रही थी। इसके अलावा सीबीआई जो डॉक्यूमेंट सीबीआई ने कलेक्ट किए थे, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स थे, उनके आधार पर सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी। लेकिन इस मामले में जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की है उसमें बड़े बड़े नाम है, जिसमें के कविता का नाम है, जिसमें उनसे जुड़े हुए लोगों का नाम है, विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, इन सभी लोगों के नाम है। इसीलिए ये पूरे नाम उजागर है, इसमें कोई भी ऐसा गवाह नहीं है जो हिडन है। तो इसीलिए कोर्ट के सामने इन सभी के नाम भी धीरे धीरे रखे जाएंगे और उसके बाद यह कहा जाएगा कि इनसे आमना सामना करवाया जा रहा है। और इसीलिए इस पूरे मामले पर पूछताछ कुछ इस तरीके से ही होनी है, इसीलिए कस्टडी चाहिए। कल के कविता को बुलाया गया पूछताछ के लिए, मनीष सिसोदिया की कस्टडी मांगी गई है ज्यादा से ज्यादा, और इसीलिए इस पूरे मामले पर लगातार इस वक्त कोर्ट रूम में हलचल है, कोर्ट रूम में सुनवाई चल रही है। और मनीष सिसोदिया की जैसे ही ईडी की रिमांड अगर आज मिल जाती है ईडी को कोर्ट की तरफ से, तो ये मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ा झटका होगा। मनीष सिसोदिया जो पहले से ही तिहाड़ में है, उसके बाद वो आज इस उम्मीद से आए थे कि उनको बेल मिल जाएगी, लेकिन बेल भी अगर मिल जाएगी तब भी कोई राहत मनीष सिसोदिया को फिलहाल नहीं है। तो लगातार यहां पर इस सब पूछताछ कर रही है। देखिए, पुलिस ऑफिशियल्स का भी आना जाना लगातार कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले पर सिक्योरिटी का थ्रेट भी रहता है कि जो कार्यकर्ता है वो यहां तक ना पहुंच जाए, सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता रहती है। और इसीलिए लगातार पुलिस ऑफिशियल्स भी कोर्ट में पहुंचते रहते हैं ताकि इस पूरे मामले पर सुरक्षा व्यवस्था को भी बरकरार रखा जा सके। तो अभी पूछताछ फिलहाल चल रही है। इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स लिए गए हैं, कुछ ऐसे गवाह जिनसे पूछताछ की गई है, जिनके स्टेटमेंट्स को फिलहाल रिकॉर्ड किया गया है अब तक ईडी की तरफ से, उनके स्टेटमेंट्स को भी कोर्ट में रखा गया है। उन स्टेटमेंट्स की जानकारी हालांकि ओपन कोर्ट में नहीं दी गई है, जज के सामने बकायदा एक डॉक्यूमेंट में उन स्टेटमेंट्स को रखा गया है ताकि उन स्टेटमेंट्स को पढ़ा जाए जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम शामिल है। और इसीलिए उन्हीं को आधार बनाते हुए ईडी मनीष सिसोदिया की कस्टडी आज कोर्ट से मांगना चाहेगा कि मनीष सिसोदिया को सामने बिठाकर, कई गवाहों को सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जानी है। मनीष सिसोदिया से ईडी ने पहली बार पूछताछ की है और उसके बाद ही सीधे कस्टडी की मांग की गई है मनीष सिसोदिया की। तो ऐसे में ये मनीष सिसोदिया के एक बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि 10 दिन की कस्टडी मिलेगी या नहीं ये फिलहाल देखना होगा, लेकिन आज मनीष सिसोदिया के लिए ये बिल्कुल भी राहत भरा दिन नहीं है। तिहाड़ वो गए थे इस उम्मीद के साथ, आज आए थे कि उनको शायद आज कोर्ट से बेल मिल जाए, लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए मामला और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि ईडी के मामले में मनीष सिसोदिया का जल्दी छूटना नहीं पॉसिबल हो पाएगा। अगर ईडी उनको कस्टडी में लेती है और उसके बाद ईडी लगातार पूछताछ करती है, उसी मामले में अगर वो तिहाड़ भी जाते हैं, अगर जेसी में भी भेज दिया जाता है ईडी केस की कस्टडी के बाद, तब भी मनीष सिसोदिया को बेल मिलना आसान नहीं होगा इस पूरे मामले पर। तो सीबीआई का मामला जितना आसान लग रहा था, अब ईडी का मामला उससे भी ज्यादा मनीष सिसोदिया के लिए कठिन हो गया है। तो जो स्टेटमेंट्स को कोर्ट में रखा गया था, उन स्टेटमेंट्स को फिलहाल जज कोर्ट में पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखा जा रहा है, जिसमें यह कहा गया कि विजय नायर वॉज द ओनली हु वॉज कोऑर्डिनेटिंग द एंटायर
कॉन्स्पिरेसी। तो विजय नायर जिसको पहले से इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया है, वो भी एक पूरे मामले में मेन एक्यूज्ड है, तो वो एक ऐसा शख्स है जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी को कोऑर्डिनेट किया है। विजय नायर दरअसल मीडिया इंचार्ज है आम आदमी पार्टी का, और उसी ने पूरे इस साउथ ग्रुप को, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को, उनको कोऑपरेट कर उनको उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाया है। उनके थ्रू ही 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के पास गया, और इसीलिए विजय नायर का नाम कोर्टरूम में लिया गया है। तो सीबीआई के मामले में जहां नाम नहीं लिए जा रहे थे एक्यूज के या गवाहों के, अब इस मामले में एक्यूज के नाम भी लिए जा रहे हैं, जो जो मेन एक्यूज इस पूरे मामले में है, जिसमें सबसे बड़ा नाम विजय नायर का लिया गया, जिसमें यह कहा गया कि विजय नायर ही वो शख्स है जिसने जो मेन कोऑर्डिनेट कर रहा था इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को। इसके अलावा ये कहा गया जो स्कैम है उसको मल्टीपल ब्रांचेस किया गया, विच इन्वॉल्व गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड मिडलमैन एंड अदर्स, यानी कि ये जो पूरा स्कैम किया गया था नई लिक्विड पॉलिसी का, ये अलग अलग विभागों में बटा हुआ था, जिसमें कई गवर्नमेंट फंक्शनरीज यानी कि सरकारी विभाग शामिल थे। इसके अलावा इसमें कई बिचौलिए थे और भी कई लोग, जिसमें कई बिजनेसमैन शामिल थे। तो ये दरअसल इस तरीके से काम कर रहा था जिसमें अलग अलग ग्रुप्स में ये पूरी डिवाइड थी, जिसमें सरकारी विभाग, इसके साथ साथ कई मिडलमैन, कई बिचौलिए, जैसे कि विजय नायर का सबसे बड़ा नाम सामने आया है, वो एक बिचौलिए की तरह काम कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे दोनों के बीच में, यानी कि साउथ ग्रुप के बीच में और आम आदमी पार्टी के बीच में, ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेटिंग का काम कर रहे थे विजय नायर। और इस पूरे मामले में कई बिजनेसमैन का नाम भी सामने आया है, वो भी इस पूरे मामले में उनका भी अहम रोल है। तो लगातार सुनवाई कोर्टरूम में चल रही है, ईडी कस्टडी की मांग कर रहा है, लेकिन अभी मनीष सिसोदिया के वकील ईडी की कस्टडी का विरोध भी करेंगे, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले पर अभी अपने आर्गुमेंट्स किए जाने हैं। तो अभी कुछ वक्त और लग सकता है इस पूरे मामले पर जज का फैसला आने में, क्योंकि आपने ईडी की कस्टडी की बात कही कि क्या आधार दिए जा रहे हैं ईडी की तरफ से। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन गौनिका, जब मनीष सिसोदिया के वकील वहां पर बचाव करेंगे तो उनके पास क्या आधार रहेगा, किस बिना पर वो बचाव करेंगे जब इन सबूतों के साथ ईडी कोर्ट पहुंची है? देखिए बिल्कुल, ईडी अपना केस पूरा फुल प्रूफ तैयार करके लाई है ताकि इस पूरे मामले पर कोई भी ऐसी कसर ना रहे जिसपे जज सवाल उठा दे, ताकि इस पूरे मामले पर ईडी को कस्टडी ना मिल पाए। इसीलिए ईडी पूरे फुल प्रूफ प्लान के साथ, तैयारी के साथ आई है। और ईडी की तरफ से ये भी कहा गया जो कॉन्स्पिरेसी है वो ऑर्केस्ट्रा मतलब वो बनाई गई थी विजय नायर की तरफ से, सिसोदिया, के कविता एंड मेनी अदर्स। तो देखिए के कविता का नाम भी कोर्टरूम में लिया गया है। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो बनाने वाले लोग थे, पूरी कॉन्स्पिरेसी रचने वाले लोग थे, वो विजय नायर, मनीष सिसोदिया, के कविता एंड अदर्स, यानी कि और भी कई नाम इसमें शामिल हैं। जो साउथ ग्रुप है वो उनको पेड अ किकबैक ऑफ नियरली 100 करोड़ टू द आप लीडर्स। तो जिस बात को लेकर लगातार सीबीआई अपनी चार्जशीट में कह रहा है कि 100 करोड़ रुपया दिया गया था साउथ ग्रुप की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेताओं को, उस बात को अपडेट्स आ रहे हैं, हम आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। लेकिन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।